हाय, सिर्फ एक पॉइंट से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए या रेडी टू मूव लेनी चाहिए। मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था 2015 में और डिलीवरी थी 2018 में और आज है 2021, तो पूरे 6 साल हो गए हैं और 6 साल से मैं EMI भी भर रहा हूँ और घर का किराया भी दे रहा हूँ। तो सोचिए, एक बायर के ऊपर डबल खर्चा आता है, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा मैं दे रहा हूँ और उतना ही एक्स्ट्रा पैसा मैं पहले ही अगर रेडी टू मूव फ्लैट ले लेता तो मैं पिछले 6 साल से अपने घर में भी रहता और जो एक्स्ट्रा रेंट दे रहा हूँ इसके कई लाख रुपए बचे रहते मेरे। तो प्रॉब्लम यही है कि जितने बिल्डर हैं कोई टाइम पर डिलीवरी नहीं देता है, कभी कभी तो 10-10 साल तक लोग वेट करते हैं और कर रहे हैं, जिनका फ्लैट जो उन्होंने 2010 में बुक किया था आज 2020-21 तक नहीं मिला, अभी तक काम चल रहा है। और ऐसा सिर्फ एक बिल्डर के साथ नहीं है, मैक्सिमम बिल्डर्स का यही हाल है, कोई भी टाइम पे डिलीवरी नहीं देता है। इसमें नुकसान सिर्फ बायर्स का होता है, जैसे मैंने बताया कि बैंक वाले तो अपनी EMI लेते रहेंगे और साथ में आपको रेंट भी देना पड़ेगा, और समय के साथ आपके ऊपर खर्चे और बढ़ते जा रहे हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है।